ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, चार नंबर इसका दिया है, 4x² + 9y² + 4z² - 12xy - 12yz + 8zx। तो यहाँ देखो एक्स वाई वाला और वाई जेड वाला टर्म यहाँ माइनस में है, दोनों में वनिष्ठ वाई है, यानी कि वाई यहाँ पे माइनस में रहा होगा, ठीक है। इसे आप 2x² कर लो और यहाँ लिखेंगे -3y² तो प्लस में ही आएगा, और प्लस में 2z² तो a² + b² + c² + 2ab, तो 2 × a के जगह पे 2x है और b के जगह पे -3y, ठीक है। फिर +2bc यानी कि 2b के जगह पे -3y है और c के जगह पे 2z है, और +2ca c के जगह पे आपका 2z है और a के जगह पे आपका 2x है, ठीक है। चलिए गुना करेंगे आप तो यहाँ पे वही आएंगे सारे टर्म। चलिए यानी ये फॉर्मूला हो गया आपका 2x + -3y और +2z² यहाँ पे लिख सकते हैं 2x - 3y + 2z² इसी को दो बार लिख दो, 2x - 3y + 2z और 2x - 3y + 2z, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर